अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 3 अपना स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.3 कर ली थी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 और 3.5 आपस में मिलती जुलती है, ठीक है, इसलिए 3.2 के बाद हम फ़ौरन 3.5 करेंगे। 3.2 की डेफिनेशन हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी और इनवर्स प्रोपोर्शन थी, वो डेफिनेशन है। और आज हम उनसे रिलेट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस में भी हम दो चीज़ों के बारे में ही बार बार आएगा, एक डायरेक्टली के वर्ड आएगा, एक इनवर्सली का वर्ड आएगा। अच्छा, जो भी चीज़ डायरेक्टली होगी हम उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल वाई इज़ directly proportional to x, तो इसको लिखने का तरीका होगा ये, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद इसको हम equal to kx कर देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम इस k की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है, इस k को फाइंड करेंगे। और इस k को फाइंड करने के बाद फर्दर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी सिमिलरली जब वो इनवर्स प्रोपोर्शन का वर्ड यूज़ करेगा कि y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, तो हम इसको y 1/x इनवर्सली के लिए हम उसको 1/x कर देंगे। और फिर उसके लिखने का वही मेथड होगा इक्वल टू k, और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम आगे x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्सरसाइज की तरफ अब हम चलते हैं। जी क्लास, एक्सरसाइज 3.2, इसमें आप देख रहे हो टोटल 13 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डायरेक्टली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, एंड 7 से 13 तक इनवर्सली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करवाती हूँ, उसके बाद फिर फर्दर देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना है। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो इसमें लिखा है कि वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, वाइज जो है वो एक्स को डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी वाई इज़ डायरेक्टली वेरीज टू एक्स, विच इम्प्लाइज डैट वाई इज़ इक्वल्स टू के एक्स। उसके बाद अब हम यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए उसने हमें कहा है एंड y इज़ 8 व्हेन x इज़ 2, तो y को 8 पुट करेंगे, x को 2 पुट करेंगे, हो रहा हम k की वैल्यू को फाइंड। जी क्लास, इसको मैंने 1 कह दिया, अब y की जगह मैंने 8 और x की जगह मैंने 2 पुट किया। पुट करने के बाद मेरे पास k की वैल्यू आ गई 4। अब इसको अगेन पुट इन में 1 कर दूंगी, तो मेरे पास y इज़ इक्वल्स टू के एक्स आ जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगी 2, ठीक है। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है, और k की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहाँ पे k की जगह मैंने पुट कर दिया 4, और जिसको कह दिया इक्वेशन 2। उसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें उसके पार्ट्स की वन है, कहता है सबसे पहले y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ x। तो क्लास, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 फाइंड की है, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हो गई। पुट करने के बाद मेरे पास k की वैल्यू आ गई 4। अब इसको अगेन पुट इन में 1 कर दूंगी, तो मेरे पास y इज़ इक्वल टू के एक्स आ जाएगा, और इसको मैं बोल दूंगी 2, ठीक है। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है, और k की वैल्यू क्या आ गई? 4। यहाँ पे k की जगह मैंने पुट कर दिया 4, और जिसको कह दिया इक्वेशन 2। उसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें उसके पार्ट्स की वन है, कहता है सबसे पहले y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू फाइंड कीजिए इन टर्म्स ऑफ x। तो क्लास, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 फाइंड की है, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हो गई, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पार्ट है y इन टर्म्स ऑफ x का आंसर है y इज इक्वल्स टू के एक्स, y इज इक्वल्स टू 4x। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है y फाइंड करे व्हेन x की पावर क्या हो? 5। तो सेकेंड पार्ट में y को हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू है 5, पुट इन 2 में पुट किया इसको,
तो y इज़ इक्वल्स टू 4, x की जगह 5, y इज़ 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। और इसी तरह इसका थर्ड पार्ट क्या है, x फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू क्या है 28। जी थर्ड पार्ट में था कि x को फाइंड करें जबकि y 28 है, तो मैंने पुट कर दिया इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 जो है दरअसल हमारी मेन इक्वेशन है, k की वैल्यू फाइंड करने के बाद यही हमारी मेन वैल्यू बनती है, और उसमें हमने ये वैल्यू को पुट कर देना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 7। जी क्लास, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड वी इज़ इक्वल टू 5 एंड आर इज़ 3, तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, आफ्टर डैट जो हमने फाइंड करना है फाइंड आर व्हेन वी इज़ इक्वल टू 625। तो सबसे पहले हमने लिखा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो इसका उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा वी इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। अब वी 5 r 3 1 में पुट किया तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/27, इसको 1 में पुट करेंगे 5/27, और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि v मेरे पास 625 है, वो मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया। उसके बाद ये डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, 3375। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास r क्यूब की वैल्यू आई है, ठीक है, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे हम, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्लास क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, 3 भी ऐसे ही है, 2 भी ऐसे ही है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि जिसमें वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसी भी वैल्यू के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जी क्लास, नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें y जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के, एंड y इज़ इक्वल टू x एंड x इज़ इक्वल टू 3, तो ये k की वैल्यू के लिए है। नेक्स्ट जो फाइंड जो हमने करना है वो ये है, x फाइंड करना है जबकि y 24 है, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा और y को 4 और x को 3 पुट किया, 1 में पुट किया, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होकर k की वैल्यू आ गई हमारे पास, और y जो है वो फिर हमारे पास k की वैल्यू को 1 में पुट किया, तो ये पूरी एक इक्वेशन आई, y इज इक्वल टू 12/x। अब सेकंड ये था x को फाइंड करना जबकि y 24 था, y की जगह 24 रखा और k की जगह 12, x अपनी जगह पे रखा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x यहाँ डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो रहा, 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, और ये आ गया 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली क्लास, आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स की बेस के ऊपर हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप कंप्लीट एक्सरसाइज कर लोगे। हाँ, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये जो आप एक्सरसाइज करोगे 3.2, इसी से सिमिलर मिलती जुलती 3. हमारी 5 है, ठीक है, तो उसको करने में अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो वो करने में आपको ज़रा भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी।